मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज की कक्षा में हम क्लास सिक्स बुक रेनबो लेसन नंबर फोर द डंकी एंड द डॉग के एक्सरसाइज वर्क को करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको इस लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया था, आज इसके एक्सरसाइज वर्क को कराऊंगा। आप सभी ध्यान से देखिए, पहले इसके प्रश्न उत्तर हैं इंग्लिश में, वो करेंगे, उसके बाद बाकी का वर्क करेंगे। चलिए पहला प्रश्न करते हैं, What did the donkey use to carry? Answer: The donkey used to carry the load of clothes. अगला प्रश्न, Why could the washerman not lift the donkey? Answer: The donkey was too big and too heavy to be lifted by the washerman. प्रश्न में पूछा गया है कि जो washerman है, धोबी है, वो गधे को क्यों नहीं उठा पाया? क्योंकि गधा बहुत बड़ा था और भारी था, इसीलिए धोबी उसको नहीं उठा पाया। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? आंसर, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। धोबी ने जो कुत्ते के प्रति अपना प्यार दिखाया था, वो कैसे था? जब धोबी शाम को घर पर आता था तो कुत्ता उसको देखकर बहुत खुश होता था, उसके ऊपर जंप करता था, तो उसका जो मालिक था उसको गोद में उठा लेता था और उसको घर में अंदर ले आता था। अगला प्रश्न, व्हाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस? आंसर, द डंकी वाज जेलिस ऑफ द डॉग हु लाइव्ड विद द मास्टर इन हिज इन द हाउस, सो इट आल्सो वांटेड टू लाइव इन द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी? आंसर, द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी दैट ही वॉज मच बिगर सो ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे। ही ऑल्सो सेड दैट द डंकी वॉज टू हैवी टू बी लिफ्टिड बट ही लव्ड द डंकी एंड द डॉग अलाइक। यानी कि वो दोनों को बराबर ही प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स? आंसर, We are all unique and different from others. Similarly, we have our own particular reputation and position which is unique. Therefore, we should not copy others. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक दूसरे की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर इस तरह से है, हम सब अलग अलग हैं, सभी में कुछ ना कुछ भिन्नताएँ हैं और सभी की reputation और position अलग अलग है, इसलिए हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच कराना है। द डंकी, द मास्टर, द डॉग, द मास्टर टोल्ड द डंकी। द डंकी को हम कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ से मिलाएंगे, द मास्टर को लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, द डॉग को मिलाएंगे स्टेड इनसाइड द हाउस, द मास्टर टोल्ड द डंकी को मिलाएंगे दैट ही वॉज मच बिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पावर का है, इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और ऊपर एक ब्लॉक है, उसके अंदर चार वर्ड लिखे हैं, वो यहाँ पर फिल करने हैं। अतुल्स ग्रैंडफादर, यहाँ पर पैटेड आएगा हिम फॉर हिज ब्रेवरी। बी, यहाँ पर लिक आएगा, लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। सी में डिफरेंट आएगा, द बैलून सेलर वॉज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। डी में शेड आएगा, पीपल कीप देयर कैटल इन शेड। नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस, यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस है और एक ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनको फिल करना है। पहला है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, यहाँ पर ओवर आएगा। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स, यहाँ पर अमंग आएगा। सी, द मैन जम्प्ड इन टू द रिवर, यहाँ पर इन टू आएगा। डी, आई गोट ए गिफ्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड, यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ई, कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल, यहाँ ऑन आएगा। एफ, हिज फ्लैट वॉज अबव द शो, यहाँ पर अबव आएगा। तो बच्चों, आज ये लेसन आपका पूरा हो गया है। आपको ये सारा काम अपनी नोटबुक में कर उसके फ़ोटो निकालकर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप UPS कासमपुर भूमा में पोस्ट करने हैं, ताकि हमको पता चल जाए किस किस बच्चे ने काम किया है और किस किस ने नहीं। आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ पढ़ने के लिए टाइम अवश्य निकालें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।
Thank you.